Hi, hello everyone. Welcome to Career Prep for YouTube channel. I am Vinod. Today I will discuss important topic fraction and decimal class 7 chapter number 2 exercise 2.2 question number 1. Student, आज हम लोग question number 1 discuss करेंगे fraction and decimal. NCERT book से मैंने लिया है question और ये काफ़ी important है for your exams, ठीक है, आपके exam के लिए. और question number 2 का जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये क्या है कि कुछ ड्राइंग दी हुई है और इस ड्राइंग को देख करके इसके बेसिस पे आपको कुछ आंसर्स करने हैं बच्चे, ताकि क्या इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको फ्रैक्शन के कितनी समझ है, या आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया है तो इससे आपके कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो सकता है आपका, ठीक है बच्चे. तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि which of the drawing A to D show. देखो A से लेकर के D के बीच वाले A B C D चार ड्राइंग दिया हुआ है और इनके अकॉर्डिंग उसको मैच करना है, कौन किसके साथ मैच करेगा, ठीक है. मतलब ये ड्राइंग दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह से हम लिख सकते हैं. तो सबसे पहले बच्चे क्या करना है कि इन फ्रैक्शन को समझने के लिए आप समझिए, ये देख रहे हैं ना, ये है 2 × 1/5. 2 × 1/5 का मतलब ये हुआ कि 2 × 1 यानी 2 और 2/5 यानी 2/5 इसमें कौन सा है. लेकिन आपको ये जो होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा इस ड्राइंग को समझने में. अब समझिए, देखिए यहाँ पे जो 2 देख रहे हैं इसका मतलब ये हो रहा है कि ये 2 जो है टोटल काउंट बताता है नंबर का. तो 2 जो है कितना, अब देखो इसमें कितना है, 1, 2, 3 है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट का नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 जो है काउंट बताता है. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 और 2 फिगर है यहाँ पे, तो ये हो सकता है. उसके बाद देखिए ये नहीं हो सकता, 1, 2, 3 है, इस पर ये नहीं हो सकता है. लेकिन यहाँ पे ये और ये, मतलब इसमें 2 है, ये 2 बच्चे डिनोट करता है कि टोटल फिगर कितनी है, ठीक है. तो इसमें देखो 2 फिगर है और इसमें ये 2 फिगर है. अब ये डिसाइड हो गया कि बी और डी में से ही हो कोई ना कोई सही है, ठीक है. इज माई करेक्ट, ओके. तो अब आपको डिसाइड करना है कि 1/5 कौन सा है. तो देखिए 1/5 फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 1 हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया 5, यानी 5 पार्ट होगा, उसमें एक पार्ट जो है कलर किया होगा. यानी ऐसा पार्ट निकालें जिसमें 5 होगा, 5 उसके क्योंकि 5 पार्ट होगा, उसमें से एक पार्ट जो है आपका क्या होगा, कलर किया होगा. तो अब देखिए इसमें क्या है, 2 पार्ट ही है, एक ब्लॉक में 2 पार्ट है, इसमें भी 2 पार्ट है. इसमें देखो एक, देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है, ठीक है. यानी 1/5 का मतलब 5 पार्ट है, उसमें एक पार्ट को कलर कर दिए हैं, ठीक है. तो ये हो गया 1/5. और ये 1/5 का कितने हैं, 2 है. तो यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, इसका जो है आपका हो गया डी नंबर आपका सही, ठीक है बच्चे. यानी आपको ऐसे मोटा मोटी समझो मैं जो बता रहा हूँ, 1/5 यानी 5 पार्ट होना चाहिए, 5 पार्ट होना चाहिए, उसमें एक कलर होना चाहिए, तो एक में कलर किया हुआ. और ऐसे ऐसे कितने चाहिए, 2 चाहिए, 1 और 2, क्योंकि यहाँ 2 फैक्टर में है. तो फर्स्ट का कौन सा सही हो गया, डी हो गया. चलो नाउ अब कमिंग टू पार्ट सेकेंड. देखो बच्चे यहाँ पे 2 × 1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो है ना 2 पार्ट में एक पार्ट कलर किया होगा. तो 2 पार्ट है उसमें एक पार्ट कलर है. तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, 4 पार्ट में एक कलर है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है. इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट है, इस ये भी नहीं हो सकता है. यहाँ चलते हैं 1, 2, 3 पार्ट है, उसमें 2 कलर है, ये भी नहीं हो सकता है. यहाँ देखिए 1 और 2 2 पार्ट है, देखो बच्चा 2 पार्ट है, 2 में ऊपर वाले न्यूमरेटर इंडिकेट करता है वो कितना शेडेड किया हुआ है, शेडेड, तो शेडेड कितना है, 1 पार्ट है. तो 2 में से 1 पार्ट को कलर किया हुआ, ये तो मिल गया 1/2. अब ऐसे से कितने हैं, 2 ब्लॉक, तो एक ब्लॉक तो ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया. तो यानी सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड का आपका होगा बी, ठीक है बच्चे. नाउ कमिंग टू पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड क्या कर रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर आपको 3 टोटल जो है उसमें जो है पार्ट कितने हैं, 5 पार्ट में किया होगा, ठीक है. और 5 को में 2 आपका कलर किया हुआ है, तो सॉरी 5 3 पार्ट है जिसमें 2 कलर किया हुआ है. तो अब 3 पार्ट देखिए,
ये दोनों तो बी और सी तो चला गया, अब आपका बचा ए और सी। इसमें बच्चे क्या है कि टोटल देखो एक दो तीन चार, चार में से एक कलर है जो कि नहीं हो सकता है, हमें तीन चाहिए, तीन चाहिए, तीन में से पार्ट में से दो पार्ट कलर है, तो तीन पार्ट देखो एक दो तीन पार्ट है, एक दो तीन पार्ट है, एक दो तीन पार्ट है, तो तीन में से क्या है दो पार्ट क्या है कलर है, एक और दो, दो पार्ट को कलर किया हुआ है, तो ऑप्शन आपका ए हो सकता है क्योंकि तीन में से दो पार्ट को कलर कर दिया और ऐसे से कितने हैं एक दो तीन है, तो देख रहे हो तीन में से दो को कलर किए हैं और ऐसे से तीन है थ्री है, तो यानी आपका थर्ड का ए आपका सही होगा। ओके नेक्स्ट नाउ कमिंग टू पार्ट फोर, थ्री इंटू वन बाय फोर, अब इसको कैसे समझेंगे, टोटल जो है आपके कितने पार्ट होना चाहिए, एक ब्लॉक होगा उसमें फोर पार्ट होगा, देखिए एक ब्लॉक है उसमें एक दो तीन चार पार्ट, चार में से एक पार्ट न्यूमरेटर इंडिकेट करता है कलर पार्ट, ठीक है यानी साइडेड, एक कितना साइडेड किया एक कार्ड किया गया, और ऐसे से वन बाय फोर कितने हैं, वन बाय फोर जो है आपके तीन हैं, तो देखो एक बार एक दो तीन हो गया, ठीक है बच्चे, क्योंकि आप इसको देखो इसको यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है बच्चे, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो थ्री इंटू वन क्योंकि थ्री बाय वन लिख सकता हूँ, तो थ्री इंटू वन मतलब क्या हो गया, थ्री इंटू वन और फोर इंटू वन इंटू फोर मतलब क्या हो गया थ्री बाय फोर, ये थ्री बाय फोर है, ये क्या है बच्चे, इसको मैं इस नीचे वन लिख सकता हूँ, तो थ्री इंटू टू बाय वन इंटू थ्री मतलब सिक्स बाय थ्री, ठीक है सिक्स बाय मैं क्या लिख सकता हूँ थ्री, और इसको क्या लिख सकता हूँ सिक्स बाय थ्री का मतलब टू, इसको क्या लिख सकता हूँ टू इंटू वन, टू इंटू वन बाय टू मतलब क्या हुआ टू बाय टू मीन्स वन, और इसको लिख सकता हूँ टू बाय फाइव, ठीक है चलो अब मैं ये बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो थ्री इंटू टू बाय थ्री है, मैं आपको बताता हूँ टू कैसे होगा, अब देखो ये क्या है चार, चार है भाई, चार ब्लॉक में एक ब्लॉक कलर किया हुआ है, तो मैं लिखूँगा वन बाय फोर, फिर इसको क्या लिखूँगा वन बाय फोर, इसको क्या लिखूँगा वन बाय फोर, इसको ऐड कर दीजिए फोर वन प्लस वन प्लस वन, ठीक है तो ये कितना हो गया थ्री बाय फोर, ठीक है सॉरी यहाँ पे ये नहीं करना है, ऐसे से कितने हैं बच्चे, ठीक है तो थ्री बाय फोर ऐसे से कितने हैं, एक तो एक बाय वन बाय फोर, वन बाय फोर सॉरी वाला जो है ना सॉरी ये हम आप फोर्थ नंबर डिस्कस कर रहे थे तो ये हमने लिख दिया अलग से, ठीक है ये देखो बच्चे यहाँ पे थ्री बाय फोर और थ्री बाय फोर आर इक्वल, ठीक है इसी तरह से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करके हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब जैसे टू बाय टू इंटू वन बाय फाइव है तो टू बाय फाइव हो गया, अब टू बाय फाइव कैसे होगा तो देखो यहाँ पे फाइव में वन बाय फाइव होगा, ये भी वन बाय फाइव हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो बच्चे क्या होगा वन बाय वन प्लस वन यानी बाय यानी मीन्स क्या हो गया टू बाय फाइव, तो इसको टू बाय फाइव लिख सकता हूँ, इसको भी इसी तरह से हम ऐड के फॉर्म में एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन आपका कंप्लीट हो रहा है, आई होप मैं मुझे आप लोग को क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, इज इट क्लियर, ओके थैंक्स, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।